नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। मित्रों, आज अनार की जो फसल है ये 120 दिन की हो चुकी है। जब उसका इथरेल हुआ था, इथरेल के बाद फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद सेटिंग हुई, सेटिंग के बाद आज प्लॉट 120 दिन का हो चुका है। 120 दिन के प्लॉट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमारा फ्रूट का साइज बढ़ना चाहिए। तो फ्रूट का साइज बढ़ने के लिए काफी किसान फर्टिलाइजर्स के ऊपर जोर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा देते हैं। पर मित्रों, मेरा एक आपसे सबसे कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूट का हेल्थ भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इथरेल देते हैं, इथरेल देने के पहले जब हम बेसल डोज के लिए फर्टिलाइजर ज़मीन में भरते हैं, तब पाला तोड़ के हम उसमें सारा खाद भरते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर आता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आता है सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से। फिर हम लोग उसको पाले को बंद करते हैं और पाले को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ड्रिप रख के पानी बंद किया हुआ रहता है उसका। उसके बाद इथरेल देते हैं, इथरेल के बाद जब हम पत्ते झड़ते हैं नीचे और उसके बाद जब हम पानी देते हैं, पानी देने के बाद जड़ें एक्टिवेट हो जाती है। अब पाला तोड़ने के बाद जो पुरानी जड़ें टूट जाती है, जब नई जड़ें आती है हमारे खाद के अंदर, उसके बाद क्या होता है, फ्लावरिंग का प्रोसेस चालू होता है ऊपर। और जब वाइट रूट्स अच्छी बनती है नीचे तो ऊपर फ्लावरिंग अच्छी बनती है और सेटिंग भी अच्छी मिलती है हमें को, स्ट्रांग सेटिंग मिलती है। होता क्या है भैया, भाई साहब, इस सब प्रोसेस में कि जब फ्रूट ग्रोथ करता है, यानी 60 डेज में सेटिंग हो जाता है, फिर फ्रूट का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता है और जब फल संतरे आकार का हो जाता है, यानी ये संतरे आकार का फ्रूट हो जाता है, तब 120 दिन कैलकुलेट किए जाते हैं सारे प्रोसेस में। और 120 दिन कैलकुलेट जब होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि 120 दिन में रूट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जड़ों का विकास सही हो रहा है कि नहीं। और कई किसान इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं कि भाई उसका सारा ध्यान फ्रूट की ग्रोथ के ऊपर रहता है, रूट हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि फ्रूट का ग्रोथ शायद 120 से 150 दिन के बीच में रुक सकता है। और रुकने का कारण यही होता है कि हमारा रूट हेल्थ 120 दिन में हम चेक नहीं करते हैं। चेक करने के लिए सबसे बढ़िया मैकेनिज्म होता है कि हम हमारे ज़मीन को थोड़ा सा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ज़मीन में से जड़ें चेक करना, जड़ों का विकास कैसे हो रहा है, वाइट रूट डेवलपमेंट कैसा 120 दिन में, उसके ऊपर नेमाटोड्स का गांठे है कि नहीं है वो भी चेक करना ज़रूरी है। और 120 दिन में गांठे अगर है हमारे प्लॉट में तो निश्चित रूप में हमारा फ्रूट का ग्रोथ रुकेगा और फाइनल में हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो हमारा जो हमको ऑप्टिमाइज साइज जो बोलते हैं 250 ग्राम प्लस का, वो मिलने में कठिनाइयाँ आती है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रूट का साइज ग्रोथ करने में। और फ्रूट का साइज ग्रोथ करने में फर्टिलाइजर्स के साथ में रूट हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ड्रिप से फर्टिलाइजर्स देके जमीन में सॉल्ट बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे में जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो जड़ों को चेक कैसे करते हैं वो प्रक्रिया मैं आपको आज समझाता हूँ। सब किसान मित्र जो भी राजस्थान गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सॉइल टाइप है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, या ज़्यादातर सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन महाराष्ट्र जैसे ज़मीन में और कर्नाटका के ज़मीन में ज़्यादा है, वहाँ पे रूट हेल्थ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है इतना जल्दी। पर राजस्थान गुजरात में, प्रॉसिबली कच्छ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि यहाँ पर सॉइल टाइप जो है उसका ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी कम है, और ऐसे कम ऑर्गेनिक कार्बन के सॉइल में हमें हमेशा ज़्यादा रूट के समस्याओं से सामना करना पड़ता है। अब सॉइल टेस्टिंग में रूट टेस्टिंग कैसे करते हैं, रूट को, जड़ों को टेस्ट कैसे करते हैं, वो मैं प्रक्रिया अभी आपको समझाता हूँ। मित्रों, ये अपना प्लांट का कैनोपी है, वहाँ तक अपना प्लांट का कैनोपी है, और प्लांट के कैनोपी के बीच में ये अपना इनलाइन ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, यानी लगभग 3 फीट का एक्टिव रूट जोन होता है। अभी एक्टिव रूट जोन में हमारी जड़ें होती हैं, जो खाना उठाने वाली जड़ें ऊपर के 9 इंच में रहती है। ये खाना उठाने वाली जड़ों का हेल्थ कैसा है वो चेक करना हमें 120 दिन में जरूरी होता है। वो कैसे चेक करने का, तो एक ऐसी दतिया खुरपी लेने का, वो दतिया खुरपी को धीरे से ऐसा डालने का जमीन में और ऊपर की परत हटाने की, जिससे जड़ें टूटे ना। अब हमें जड़ों में क्या क्या चेक करना है, हमारे जड़ों में क्या क्या चेक करना है वो मैं दिखाता हूँ। अभी ये मैंने ऊपर की एक परत जो है 4 इंच वाली वो हटाई है, थोड़ी सी धीरे से मिट्टी को
भाजियों में करने का, जड़ों को नुकसान ना करे बगैर। ये हमारी जड़े है। अब ये गार्डन में जड़े जो है वो अच्छी है। जड़ों के ऊपर चेक करने का कि जड़ों के ऊपर कोई गांठे है कि नहीं, इस सब प्रोसेस में जड़ों के ऊपर गांठे है कि नहीं वो चेक करने का। अगर हमारी जड़ों के ऊपर गांठे नहीं है तो फिर एक ये भी चेक करने का कि जड़ों के ऊपर की जो छिलका है वो निकलता है कि नहीं। जैसे ये जड़ मैंने हाथ में पकड़ी है अभी, और इसका छिलका निकलता है कि नहीं वो चेक कर लेने का। नहीं निकलता है तो इसका मतलब है कि रूट का हेल्थ जो है ये गार्डन में अभी सही है। लेकिन 120 दिन में अगर जड़ों के ऊपर गांठे मिलती है और जड़ों के ऊपर की स्किन निकल के बाजू में होती है तो समझने का कि हमारे जड़ों में प्रॉब्लम है। निमेटोड्स अगर होंगे तो गांठे बनेगी, तो गांठों के लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर जड़ों के ऊपर की साल निकल रही है, यानी उसका चमड़ा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल का मॉइस्चर का प्रॉब्लम है। और सॉइल के मॉइस्चर में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सॉइल का मॉइस्चर ज़्यादा है तो जड़ों की साल निकलेगी, जड़ गलन की समस्या हमें होगी। और निमेटोड्स ज़्यादा पानी में भी होते हैं, यानी ज़्यादा सॉइल मॉइस्चर में भी निमेटोड होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो मित्रों, सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉइल हेल्थ के साथ में सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस अगर हम करते तो निमेटोड की समस्या कम आएगी और रूट रॉटिंग यानी जड़ गलन की समस्या वो भी कम होगी। और निमेटोड के लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ आज मार्केट में उपलब्ध है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो किसान मित्र जैविक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसोलोमाइसिस, लेलिकेनस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सीडोमोनस फ्लोरेसेंस रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जड़ों की बीमारी आने के चांसेस बहुत कम है, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो किसान ये चीज़ें नहीं करते हैं, इंस्टेंट दवाइयाँ छोड़ते हैं ड्रिप में से, उनको मात्र सोचना पड़ेगा, उनको रेगुलर जड़ें चेक करनी पड़ेगी। 60 दिन, 120 दिन और 150 दिन में जड़ें चेक करती रहनी पड़ेगी हर 30 दिन में, और जड़ों में जो समस्या आती है उसको तुरंत निदान करना पड़ेगा। तो अनारकी फ्रूट की साइज ग्रोथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जड़ों का 120 दिन में चेक करना और उसका हेल्थ चेक करना। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, आपके सब मित्रों के पास ये वीडियो भेजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नितिन ओझरकर, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी हाईलाइट भी होगा, वो उसको आप क्लिक कीजिए, नितिन ओझरकर यूट्यूब चैनल, सब किसानों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाइए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय किसान।